वक्त की बड़ी खबर भागलपुर जनपद से, जहां के प्रखंड क्षेत्र जगदीशपुर की ग्राम पंचायत पुरैनी के गांव कचहरी में जमकर हुआ भ्रष्टाचार का खेल। सरपंच द्वारा गांव के मेंटेनेंस के 1.5 लाख रुपए का गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि सरपंच के बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए सचिव व न्याय मित्र को बिना जानकारी दिए 1.5 लाख रुपए की निकासी कर ली, जिसको लेकर काफी रोष है। इस मामले में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो कि ग्राम कचहरी पुरैनी दक्षिणी प्रखंड जगदीशपुर भागलपुर की क्या स्थिति है, यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर आखिर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या स्थिति है बताया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। यहाँ पर हम लोग जुटे हैं इस लेकर के 4.5 साल के पहले 1,50,000 जो सरकार का आया था अपने ग्राम कचहरी में टेबल कुर्सी फर्नीचर वगैरह खरीदने के लिए, वो पैसा निकासी हो गया। पर हम लोग यहाँ बैठक करते हैं तो दरी खरीद के और भाड़े पर कुर्सी ला करके बैठक करते हैं। ये जो है सरपंच साहब को कई बार बोले कि आप पैसा निकासी किए, टेबल कुर्सी लाइए, हम लोगों को और पब्लिक को दिक्कत होता है। क्या यहाँ पे किस तरह से चलाने का आह्वान करेंगे, सरकार से क्या मांग रहे हैं? देखिए सरकार ने अपने सुविधा के मुताबिक हमारे ग्राम कचहरी को पूरे तरीके से दे रहा है उपस्कर के लिए, लेकिन 4.5 वर्ष हो रहा है। इस 4.5 वर्षों के अंदर एक भी दिन जीनत परवीन महोदया हमारे ग्राम कचहरी कार्यालय में नहीं आई है। ये है हमारा ग्राम कचहरी कार्यालय, जैसे उसको देख लिया जाए अब तक ये बंद है, इसे बंद पड़ा है। उसके बाद 1,50,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया गया था फर्नीचर के लिए, इसमें जनप्रतिनिधि लोग बैठेंगे और इसमें जो है जनता ग्रामीण वो भी बैठेंगे। वो पैसा को भी दोनों सरपंच और उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से निकासी कर लिया गया है। यहाँ पे किस पद पे है? मैं यहाँ पर नियमित के रूप में हूँ। यहाँ पर नियमित रूप में मेरा लगभग 12 साल का काल हुआ। इतना खराब स्थिति कभी नहीं रहा। अपेक्षा तो बहुत रहती है ग्राम कचहरी से लोगों को, पर न्याय के लिए जो लोग आते हैं उनका उनका मेन पर्पस होता है कि हम समझौते के साथ करें। पर अफसोस की बात है कि महिला सरपंच हैं और वो नहीं आती हैं, उनके पति आते हैं। और आने के बाद फंड आया था यहाँ कंप्यूटर और फर्नीचर खरीदने के लिए, वो पैसा निकासी कर लिया गया। प्रखंड द्वारा इसका जांच किया गया, यहाँ के कंप्लेंट जाने के बाद प्रखंड से किसने जांच किया? प्रखंड से जांच किया पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जांच किया गया, जिसकी सूचना बीडीओ को दिया गया। उसके बाद DPRO ऑफिस में भी किया गया, वहां से यहाँ उनके अगेंस्ट FIR करने के लिए भी चिट्ठी आई है, पर ब्लॉक अभी तक कोई FIR नहीं किया है। और उन्होंने मानदेय भी नहीं कर रहे हैं, मानदेय रुका हुआ है, मानदेय के लिए हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, वो खुद आती नहीं है। उनके पति चाहते हैं कि हम सरपंच का कार्य करें, जो पंच लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। अभी फिर 1,50,000 50-50 का 2 मद में आया हुआ है, तो पंचों का मानना है कि फिर वो उस पैसा को निकाल के अपने पास रख लेगी, जैसा पिछले बार रख लिया। इसी कारण से आज बैठक उसी कारण से हो रही है, ताकि ये ध्यान दिलाया जाए प्रखंड को, प्रशासन को, कि 1,50,000 रुपया जिन्होंने निकाल के रख लिया उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी हम दरी पे बैठ के पंचायती कर रहे हैं, आज भी हम दरी पे बैठ के काम कर रहे हैं। दोबारा फिर जो 1,00,000 रुपया आया हुआ है वो शायद फिर निकाल के वो रख लेंगे, इस पे कोई कार्रवाई की जाए और हमारा ग्राम कचहरी का फर्नीचर कंप्यूटर वापस दिलाया जाए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने का मौका पाएं।